अखिलेश यादव, अखिलेश यादव को कहना है कि अगर भाजपा सरकार ने पेपर में न लगाकर पेड़ जमीन पे लगाया था तो इतनी गर्मी का सामना न करना पड़ता। कि अभी वो फ्रस्ट्रेशन में है, सपने ऊंचे देख रहे थे, नीचे हो गए। उपचुनाव होने हैं उसको लेकर सर प्रयागराज में उस पर क्या कहिएगा, जो अतिक्रमण के खिलाफ, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जो भी है वो सदा से चलती है। कहीं पर भी आपकी कोई जमीन है और अगर उस पर कोई अवैध कब्जा किया है तो उसको हटाने की प्रक्रिया, अगर सरकार है, कानून व्यवस्था है, तो लोगों की शिकायत है तो उसकी एक विधिक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करके किया जाता है। ये 10 जगह उपचुनाव होने हैं, कांग्रेस सपा साथ लड़ रही, बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी? हम लोगों की रणनीति यही रहेगी कि जहाँ जहाँ उपचुनाव होने हैं वहाँ वहाँ कमल का फूल खिले। अभी लोकसभा के चुनाव परिणाम हमारे आसान रूप नहीं रहे हैं, लेकिन विधानसभा के उपचुनाव हम लोग उम्मीद रखते हैं कि बहुत शानदार होंगे और 2027 के चुनाव उससे भी सामने। नीट के चुनाव में तेजस्वी का नाम आया है, उनके पीएस का नाम आया है। अभी देखिए उस पर जांच चल रही है और मेरे स्तर से कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, उसमें लाखों बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है और जांच एजेंसियां अपना जांच कर रही हैं और जो जांच में दोषी पाया जाए उनके खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि कोई बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का साहस न कर सके। धन्यवाद।